ओके चले हमें देखते हैं कि इस तरह का कोई इम्पैक्ट अगर लेटर पे बनाना हो तो किस तरह से हम एआई के एडोब इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। इसके लिए वेरी सिंपल तरीका है कि हमने पहले एक वो लेटर लिख लेना है जिसके ऊपर हमें क्रिएट करना है। जैसे हमने इसके ऊपर कर लिया सपोज टू बी एस लेटर ले लेते हैं, तो एस लेके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने फॉन्ट जो है येलो दे देता हूँ और बोल्ड कर लेते हैं, और फॉन्ट वट एवर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। ये तो बहुत बेकार फॉन्ट है, तो यहाँ से हम क्लिक करके एक अच्छा सा फॉन्ट दिखा, ये कुछ सही था, ये कहाँ गया, ये वाला कुछ सही था। इसको क्लिक करके हमने यहाँ से इटैलिक भी कर लिया और बोल्ड भी कर दिया, ये देखिए इस तरह से हो गया। क्लिक करके इस पर क्लिक किया और ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड कर दिया और इसको ओके कर दिया। जैसे एक्सपेंड करके ओके करेंगे एक करेक्टर बन जाएगा। क्लिक करके यहाँ से हम इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रोक लगाएंगे येलो कलर का इसके ऊपर, और यहाँ से क्लिक करके दो पॉइंट या तीन पॉइंट की लाइन, चार पॉइंट की लाइन ले लेते हैं, क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करके ऑल्टर के साथ एक गैप मेंटेन करते हुए हमें यहाँ पे ऐसे रख देना है। ये थोड़ी सही नहीं है लेकिन थोड़ा अंडू कर लेते हैं, एजेस देख लूँ उसके मैं, ऑल्टर ओके कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट करता रहेगा इसकी। ओके कंट्रोल डी करके बाद जब डुप्लीकेट कंप्लीट हो जाएगा इसका, तो अब हम क्लिक करेंगे अपने ऑब्जेक्ट पे जो हमने एस बना रखा है, और चूंकि वो उसके पहले था उसके बाद में था, कंट्रोल वाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एस वाले की आउटलाइन को पकड़ के इसके बीच में प्रॉपरली ले आते हैं, ठीक है। कंट्रोल वाई दोबारा से कर लेते हैं, ग्राफिक्स मोड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है एस को भी और इन सारे निडल्स को भी जो आपने बनाई है। यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेना है तो उस पर क्लिक करके ऑल्टर के साथ फिर इनको रिमूव कर देना है, और इसके बाद जो है यहाँ से इसको रिमूव कर दिया और ऑल्टर के साथ इसको रिमूव कर दिया और ऑल्टर के साथ हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है। ये देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से अपना सिलेक्शन टूल ले लेंगे, कंट्रोल वाई दबाएंगे और यहाँ से एस के एज से पकड़ के एस को अलग कर देना है, कंट्रोल वाई दबाएंगे ग्राफिक्स एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे भी इफेक्ट अच्छा बन रहा है अगर आप ऐसे कुछ अरेंज करके इसको रख दें इसके साथ, ये देखें ये भी इफेक्ट अच्छा है, लेकिन हम तो इसको बिल्कुल अलग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको एस को अलग कर लिया और ये देखें इसका बाकायदा इम्पैक्ट बन गया। अब क्या करना है, वेरी नेक्स्ट में आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा अगर थिकनेस वगैरह को मेंटेन करना है तो स्ट्रोक एक्टिवेट कर लें, और इसके बाद यहाँ से इनको गोल करना है तो ये देखें गोल हुए निडल्स, और अगर इनको स्ट्रोक कम करना है कम कर लें, बढ़ाना है और बढ़ा लें जैसा चाहें। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके प्रोफाइल में आ जाएं, यहाँ से जिस तरह की प्रोफाइल आप इस पर लगाना चाहते हैं वो इस पर अप्लाई कर दें, इस तरह का बनाना चाह रहे हैं आप इसको, ठीक है, या फिर इस तरह का बनाना चाह रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो इसमें देखें बाकायदा इस तरह का इफेक्ट क्रिएट होगा, या फिर इस तरह का बनाना चाह रहे हैं आप इसको, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी इम्पैक्ट इस पे लगाना चाह रहे हैं वो इजीली आप इस पे लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके कलर्स की बात की जाए तो इसमें हम कलर्स भी अलग अलग दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमने ये वाला पार्ट लिया बीच का और इसको सेलेक्ट करके हमने यहाँ से इसके स्ट्रोक्स पे क्लिक करके और इस पे ये कलर डाल दिया, और ये वाला पार्ट लिया और इसके ऊपर स्ट्रोक्स को सेलेक्ट करके हमने इसके ऊपर ये कलर ऐड कर दिया, तो ये देखें इस तरह का भी शेड क्रिएट किया जा सकता है, सही है। इस तरह पूरे पूरे लेटर्स और वर्ड्स पर हम इसको कर सकते हैं।